हद है, हद हो गई है। इंतहाई बदतमीज और बदतहदीर लड़की है। आखिर है ना समीना की बेटी। अभी तो शाहनवाज मुझसे बाहर गया हुआ है। अब जब वो पाकिस्तान आएगा तो मुझे क्या जवाब दूंगा, उसे क्या कहूंगा? दुल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। ये 21वीं सदी है, लड़के लड़कियां अपनी पसंद से अपनी मर्जी से शादी करते हैं। मेरे बिजनेस पे असर पड़ेगा, खफा होगा मुझसे। मैंने वादा किया मुझसे। शाहनवाज को कोई और लड़की पसंद आ जाएगी और क्या पता वो अपने साथ किसी मेम को ले आए। नहीं समझ सकती हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता सिकंदर, ज़ेबू और फवाद की शादी तो हो ही रहेगी। हालबत्ता शाहनवाज आ जाए तो आप उसे सब कुछ सच बता दे, वो अपने लिए कोई और लड़की पसंद कर लेगा। वो नहीं समझेगा। समझ जाएगा, वो मैच्योर बंदा है। आज जो मेरी बेइज्जती हुई है ना, वो मैं जिंदगी भर भूलूंगा नहीं। तो बेटियां जो होती हैं बाप के लिए जान तो कुर्बान कर देती हैं। आखिर है ना समीना की बेटी, और इसके लिए उसे मैं माफ नहीं करूंगा। ना आप उसे कभी माफ कर पाएंगे और ना वो कभी आपको माफ कर पाएगी। तो बेहतर यही है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रहें। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अपने अब्बू की वजह से परेशान? नहीं। फिक्र नहीं करो ज़ेबू, तुम जानती हो ना हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं जानती हूँ। तुम्हारे चेहरे पे उदासी और परेशानी अच्छी नहीं लगती। अब्बू ने ना कभी अम्मी को समझा और ना मुझे। कुछ लोग आपको पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। या शायद वो समझना ही नहीं चाहते। अपने अब्बू की वजह से उदास होना छोड़ दो ज़ेबू। कुछ लोग नहीं बदल पाते, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। जिंदगी में सब रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती। ठीक कहा तुमने, जिंदगी में सब रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिला करती। क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफी नहीं? काफी है। अच्छा सुने, ये अच्छा है, इसको ना इस पे बिछा दे अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र है, आप सुनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये आपने बहुत अच्छा किया कि ज़ेबू का अपनों में रिश्ता कर दिया। हम आपके बगैर बहुत उदास हो रहे थे। बस अचानक ही ये सब कुछ हो गया। असल में फवाद ज़ेबू को पसंद करता था, उसने अपनी अम्मी से बात की और आनन फानन मंगनी हो गई, और अब ज़ेबू की रुखसती इसी घर से होगी। ज़ेबू तो हम सब की बेटी है, हम सब मिल के उसकी शादी करेंगे। छोटा सा फंक्शन रख लिया है, सिर्फ मोहल्ले वालों को बुलाया है। अरे मैं तो पहले ही कहती थी कि ज़ेबू का रिश्ता अपने भांजे से कर दें, घर की लड़की है, घर में ही रहेगी। आज परसों बाद इतनी रौनक लगी है, मैं तो कब से चाह रही थी कि ज़ेबू अपने घर की हो जाए। तहमीना बहन, ज़ेबू की पढ़ाई? अरे वो भी होती रहेगी। फवाद बहुत अच्छा लड़का है, वो ज़ेबू का साथ देगा हमेशा। ज़ेबू की शादी हो जाएगी तो मनहूस सिकंदर का खौफ भी नहीं रहेगा, फिर वो कुछ नहीं कर सकेगा। अरे क्या करेगा वो बुढ़ा मनहूस खूसड़। बस क्या बताऊं बहन, बेटी की शादी है और वो नए नए तमाशे कर रहा है। इस उम्र में इंसान को ये हरकतें ज़ेब नहीं देती। ज़ेबू किधर है? वो अपने कमरे में है, शाम के लिए बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है ना। अच्छा, आई मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ। इस साइड पे देखें, माशाल्लाह वो कॉर्नर देखिए मैंने कैसे सेट करवाया। जीबू, मेरा बच्चा बहुत प्यारी लग रही है। समीना की याद ताज़ा होगी तुम्हें देखकर। समीना खाला भी इतनी खूबसूरत होंगी जितनी आज जीबू लग रही है। समीना की तो खूबसूरती के दूर दूर तक चर्चे फैले हुए थे। जीबू, गजरे पहनो ना, खाला खास तौर पे तुम्हारे लिए लाई हैं। बेटा जीबू, तुम्हारी दोस्त सबा नहीं है? हाँ, सबा का है। खाला अम्मी वो किसी वजह से नहीं आ सकी। उसे किसी वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा। अच्छा, मैं भी तो हूँ जीबू की दोस्त। खाला बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं जीबू के साथ हूँ। ठीक है बेटा, तुम जीबू का ख्याल रखो, मैं जरा मेहमानों को देख लूँ। प्यारी लग रही हो जीबू। ये किसका फोन आ रहा है बार बार, तुम उठा नहीं रही? किसी को नहीं। क्या बात है, आज तुम ऑफिस में भी गुमसुम से थे? पता नहीं क्या बात है यार, कहीं दिल नहीं लग रहा, अजीब बेकरारी सी है। अपने भाई की वजह से परेशान हो? हाँ, वो परेशानी भी है, मगर फवाद का इलाज हो रहा है, मैं पैसे भेजता रहता हूँ। फिर क्या अपनी मंगेतर को याद कर रहे हो? फिक्र ना करो, पाकिस्तान जाकर उससे शादी कर लेना। हाँ, शादी भी हो जाएगी, उसकी मुझे फिक्र नहीं। कोई और बात है जो मुझे बेकरार कर रही है। होम सिकनेस है यार, मैं पहले भी कह चुका हूँ। देखो, अपना दिल लगाने की कोशिश करो, मैं जानता हूँ तेरे पे बहुत मुश्किल पड़ता है, लेकिन जल्द गुजर जाएगा। आजा, लॉज में बैठते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अब हम साथ होने वाले। क्यों यकीन क्यों नहीं आ रहा? ये सब देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो। कहूँ ना ये देखो, ये सारा मेहंदी का सामान मैं खास तौर पे तुम्हारे लिए लाई हूँ। अरे वाह, ये तो काफी खूबसूरत है। तो लगाओ ना, किसका वेट कर रही हो? हमसायों के घर की शादी बिल्कुल अपने घर के जैसी होती है। वाह, शाबाश है आप लोगों पे। कितनी धूमधाम से एक बाप की शिरकत के बगैर उसकी बेटी की शादी हो रही है। और आफरीन आप लोगों पर, आफरीन आप लोगों पर कि आप लोगों ने एक बार भी नहीं पूछा है कि लड़की का बाप कहाँ है। सिकंदर तुम यहां? सिकंदर तुम अपनी बेटी की शादी में शिरकत के लिए आए हो या ये बातें करने के लिए? ये बात जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, ये बात तो मुझे अपनी बेटी से पूछनी चाहिए। मेरी बेटी ने तो मुझे अपनी शादी में बुलाया ही नहीं है। सिकंदर ये क्या तमाशा है? ये कोई तरीका है? तुम होश में तो हो ना? तमाशे की बात मत करना मेरे सामने। तमाशा तो तुम लोगों ने लगाया हुआ है, लोगों के सामने मेरा। सिकंदर अगर तुमने यही बातें करनी है तो यहाँ से जा सकते हो। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? यहां से फौरन दफा हो जाओ सिकंदर। तुम्हें ना तो अपनी इज्जत की परवाह है और ना ही किसी दूसरे की इज्जत की। ये कौन सा मौका है तमाशा लगाने का? तमाशा तो अब बनेगा, और ऐसा तमाशा बनेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। देखता हूं कैसे होगी ये शादी। अरे भाई, इज्जत से जाते हो या बेइज्जती करके भेजे यहाँ से? कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो शर्म करो, अपनी उम्र का ही लिहाज कर लो। ऐसन, मैं बाहर का रास्ता दिखाओ। चलो चलो मुझे चलो पेशाब। एक एक को देख लूंगा मैं। तैमीना खुद को संभालो, चला गया वो सिकंदर मनहूस सारा माहौल खराब करके। शुक्र है कि यहाँ सब हमारे अपने हैं, सबने मिलकर उसे भगा दी। हाँ, और शुक्र करें कि हमने कम लोगों को बुलाया था। मैंने फैसला किया है कि ज़ेबू और फवाद का निकाह कल ही करवा देते हैं। हाँ, ये मुनासिब रहेगा। ठीक है, ठीक है। आपने सही फैसला किया है फयाज भाई। ज़ेबू का निकाह हो जाएगा तो मुझे भी तसल्ली रहेगी, और वो सिकंदर फिर कुछ नहीं कर सकेगा। सिकंदर को वैसे खुद को बेइज्जत करवाने का शौक है। आप लोग फिक्र नहीं करें, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपा, मेरी एक अर्ज है। ज़ेबू को मैं अपने घर से रुखसत करूंगी, प्लीज। अच्छा सुने, मैं बच्चों को तसल्ली देकर आती हूँ, आप मौलवी साहब से तय कर लेने का। ठीक है। हाय देखो तो सही, अपनी बेटी की शादी में ऐसे कोई करता है भला। मैं तो कहती हूँ सिकंदर को शादी का बता के ही गलती की है। अरे भाई, उस मनहूस सिकंदर के बारे में तो सभी जानते हैं, वो कितना बदतमीज, कितना बद तहजीब है। ना उसे समीना बेचारी से कोई मोहब्बत थी, ना जेबो से कोई लगा हुआ है। खुद तो दूसरी शादी करके बैठा हुआ है और खामखा में इन लोगों का दुश्मन बना हुआ है। हमने तो जेबू के बाप के बारे में सुना हुआ था, आज तो मैं देखकर हैरान रह गई। वो तो बस नाम का ही बाप है। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, क्या कहूँ। जेबू बेचारी को तो बाप का भी प्यार नहीं मिला। बस कर दो यार, समीना और तहमीना पहले ही परेशान है। सेबू सिकंदर खालू चले गए, प्लीज परेशान मत हो। मैं तो समझी थी कि वो मुझे दुआएं देने के लिए आई। सिर्फ शादी के बाद उनका रवैया हमसे बेहतर हो जाएगा, वो शादी को भी कबूल कर लेंगे। जितने भी लोग यहाँ हैं वो जानते हैं उनके रवैये के बारे में, उनकी फितरत के बारे में, उनकी आदतों के बारे में। प्लीज़ तुम हमारे मायूं वाले दिन अपना मूड मत खराब करो, ओके? सब ठीक हो जाएगा। आरिज़, तुम यहाँ खड़े हो, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहते हो तो डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं। नहीं यार, तबीयत ठीक है। ये बेचैनी, ये बेकरारी खत्म ही नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बात ये है कि तुम्हारा दिल नहीं लगा अमेरिका में। शायद हिम्मत करो मेरे यार, अब यहाँ आए हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेंगे ना, वरना यहाँ की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम बहुत पीछे रह जाएंगे और हमें बहुत आगे बढ़ना है। तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल डूब रहा है, समझ नहीं आ रही कि इस बेचैनी को कैसे ख़त्म करें। ऐसे लगता है जैसे क्या कुछ नहीं। चल तू परेशान मत हो, आजा, बहुत सारे काम है। क्या जरूरत थी आपको वहां जाकर ये सब कुछ करने की? कितनी बेइज्जती हुई है, खामखा में तमाशा बन गया सबके सामने। ये मेरी शिकस्त है और अपनी बेइज्जती करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन अब वो फवाद की बीवी है सिकंदर, उसका निकाह हो गया। नहीं मानता मैं। नहीं मानता ऐसे किसी निकाह को मैं। मुझे उस घर से इस तरह निकाला गया जैसे मैं कोई भी नहीं, गैर हूं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं नोबडी। सिकंदर क्या हो गया आपको? क्यों जीबू की शादी को आपने अपने अल्लाह का मसला बना दिया? शाहनवाज को क्या जवाब दूंगा मैं? बिजनेस मेरे डील सिकंदर, इस वक्त आप अपने बिजनेस के बारे में नहीं, अपनी बेटी के बारे में सोचें। अगर वो खुश है तो आपको ये शादी कबूल कर लेनी चाहिए। तुम भी उन्हीं की हिमायत कर रही हो, तुम्हें उन्हीं की फिक्र है। मेरी कोई फिक्र नहीं तुम्हें। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ सिकंदर कि आप खुद को टेंशन ना दें। वो शाहनवाज तो एक गैर शख्स है, एक गैर आदमी के लिए अपनी बेटी को दुश्मन ना बनाए। अब वो उस घर की बहू, अब कुछ नहीं हो सकता। शाहनवाज को क्या जवाब दूंगा मैं? फिर शाहनवाज? शुक्र अल्लाह का, फवाद और ज़ेबू का निकाह हो गया। हमें भी इत्मीनान हो गया, वरना तो सिकंदर ने आकर तमाशा ही बना दिया था। समझ में नहीं आ रही आपा कि आखिर सिकंदर चाहता क्या है। कौन सा बाप ऐसे करता है जो सिकंदर कर रहा है। छोड़ो उसे, मुझे तो ये खुशी है, ज़ेबू अब मेरी बहू है, मेरे घर में खुशियाँ आ गई हैं। अब सिकंदर कुछ नहीं कर सकता। तैमीना, ज़ेबू तुम्हारी बेटी है, उसे माँ बनकर समझाओ कि शादी जो है ना, वो बहुत नाजुक बंधन होता है। अब जिंदगी बदल गई है उसके निकाह के बाद, और औरत के जज्बात और एहसास भी बदल जाने चाहिए। निकाह बहुत प्यारा रिश्ता होता है। जी आपा, मैं समझाऊंगी उसे। मियाँ बीवी एक दूसरे की जरूरत होते हैं, दोनों मिलकर एक घर की बुनियाद रखते हैं, हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते। बिल्कुल, और बेहतरीन शादी वही होती है जिसमें मियाँ बीवी को एक दूसरे का एहसास हो। तुम ज़ेबू को समझाना, मेरे फवाद का ख्याल रखे। बिल्कुल समझाऊंगी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और सुनो, महसूस ना करना, सिकंदर की वजह से हम बहुत परेशान हैं। मैंने और फयाज ने यह तय किया है कि हम आज ही रुखसती करवा लें। तुम बुरा तो नहीं मनाओगी ना? नहीं आपा, मैं क्यों बुरा मनाऊंगी। मुझे तो इस बात का इत्मीनान है कि आप मेरी ज़ेबू का मुझसे ज्यादा ख्याल रखेंगे। वैसे भी वो अपने एक घर से दूसरे घर में जाएगी, कैसी जुदाई, कैसी परेशानी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने माँ बनकर पाला, माँ होने का हक अदा कर दिया। चलो फिर बेटी को रुखसत करो और वहां मेरे साथ आकर बहू को रिसीव करना। हाँ चल। थक तो बहुत गए हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि फवाद और ज़ेबो की शादी हो गई और खैर से दुल्हन भी घर आ गई। अच्छा, मैं तो नहीं थकी। आपकी क्या बात है जनाब, आप तो सास बन गई हैं। सास बन के माँ कितना खुश होती है, मुझे आज पता चला। वैसे औलाद का घर बसा हुआ देखना भी माँ बाप की खुशनसीबी होती है, नहीं सफीना? पता है मुझे इस बात का भी इत्मीनान है कि सब कुछ खुश उसलूबी से तय हो गया, सब खैरियत रही, कोई मसला नहीं हुआ। बस अब तो मेरी हर वक्त यही दुआ है फवाद जल्दी से ठीक हो जाए और ज़ेबू का साथ उसके लिए नई जिंदगी लेकर आए। तुम फिक्र नहीं करो, डॉक्टर ने कहा है फवाद जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे तो सारा वक्त सिकंदर का धड़का लगा रहा, लेकिन लगता है उन्होंने शादी को कबूल कर लिया है। वैसे इस उम्र तक भी ना सिकंदर को अकल नहीं आई। अब सिकंदर बार बार अपनी बेइज्जती तो नहीं करवाएगा ना, कल की बेइज्जती उसे याद है, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा यहाँ। आरिस का फोन आ रहा है, बात कर लो। करो करो बात। हेलो। हेलो अम्मी, कहाँ हैं आप लोग? मैं शाम से फोन कर रहा हूँ, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। ज़ेबू को भी फोन किया, उसका फोन भी नहीं मिल रहा। बेटा बस थोड़ी सी मसरूफियत थी, मेहमान आए हुए थे, बहुत थक गई हूँ मैं। कौन से मेहमान अम्मी? वो रिश्तेदार थे कुछ, छोड़ो उन्हें, तुम बताओ कैसे हो, काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, काम भी ठीक चल रहा है। फवाद कैसे? फवाद बेहतर है काफी। मुझे आप सब लोग बहुत याद आते हैं। बेटा हम भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं, मगर अरे सब यहाँ के हालात बहुत बदल चुके हैं। मैं समझ सकता हूँ, उससे जो कुछ हो सकेगा मैं फवाद के लिए सब कुछ करूँगा। माशाल्लाह, जीते रहो बेटा। अम्मी ज़ेबू से कहे मुझे फोन तो कर ले, काफी दिनों से उससे बात नहीं हुई, उसका फोन भी नहीं मिल रहा। आरिज मैंने तुमसे कहा है ना बेटा कि यहाँ के हालात बहुत बदल चुके हैं। ज़ेबू पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उसकी पढ़ाई भी है, इम्तिहान होने वाले हैं। अब उसके पास इतना वक्त कहाँ है कि फोन पर तुमसे बातें करती रहे। अम्मी अगर वो कभी कभार तो फोन पर मुझसे बात कर सकती है ना, मैं अकेला हूँ यहाँ, आप लोगों से किसी से बात भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी उसे, बात कर लेगी तुमसे। अच्छा तुम अपना ख्याल रखना बेटा, आजकल घर में बहुत मसरूफियात है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है अम्मी, अपना ख्याल रखना। सफीना मैं सोच रहा हूँ कि हम ये बात कब तक आरिस से छुपाएंगे। जिस वक्त तक फवाद बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता उस वक्त तक तो आरिस से ये बात छुपानी होगी सच है या कोई ख्वाब है। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं अपनी नजरें हटाऊं। क्या ख्वाहिशें इतनी आसानी से पूरी हो जाती है। अपना हाथ दो। बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं। थैंक यू। नहीं सिर्फ थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी में उजाला लाने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। तुम नहीं जानती तुमने मेरी जिंदगी कितनी हसीन बना दी। मुझे तो बस तुम्हारे साथ की ख्वाहिश थी और वो मुझे हासिल हो गई। वैसे ज़ेबू, तुम्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था? तुमने कभी कहा ही नहीं। हाँ, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि मोहब्बत का इजहार लफ्जों में किया जाए। इजहार लफ्जों में ही करना चाहिए। मैं गलतफहमी हो जाती। बात तो तुम्हारी सही। तुम भी मुझे पसंद करती थी ना, लेकिन तुमने कभी कहा नहीं। और मुझे तो याद ही नहीं कि मुझे तुमसे कब मोहब्बत हुई, कैसे हुई। एक बहुत ही खूबसूरत एहसास का नाम। हाँ, बस मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ सिर्फ। शादी का पहला दिन है फवाद, हमेशा ऐसी बातें ना करो। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। मैं खुद तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाऊंगी। जब से तुमसे शादी हुई है मुझे जिंदगी से मोहब्बत होने लगी। तुम्हें इस मोहब्बत को अपनी विल पावर बनाना है फवाद। इंसान की विल पावर बहुत मजबूत होती है। जिंदगी के सफर में अगर तुम मेरी हम सफर हो तो मैं सफर में जितनी मुश्किलात है सबका सामना कर लूंगी। बस तुम्हारा साथ मेरे लिए अहम है। मैं कभी खोना नहीं चाहता सिर्फ, कभी नहीं। और अगर तुमने कभी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं टूट जाऊंगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी फवाद।